डिवाइन नेक्टर चैनल में मैं डॉक्टर निर्मल मुनगली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे दर्द में माँ, डर में पिता, दुख में भगवान और संकट में हनुमान याद आते हैं, वैसे ही भक्तों को पितु मात सहायक स्वामी सखा रूप महाराज याद आते हैं। भक्तों के लिए महाराज और हनुमान अविभक्त हैं, दोनों जैसे एक दूसरे के पर्यायवाची। एक का स्मरण करो तो दूसरे की छवि स्वतः ही सामने आ जाती है। हनुमान जी और महाराज के बीच इस अद्वैत भाव के पीछे कई मत हैं और मतभेद भी हैं। मत और मतभेद दोनों ही स्वागत योग्य हैं, क्योंकि दोनों में चर्चा का केंद्र महाराज और हनुमान जी हैं, और जब इनकी चर्चा हो तो वो चर्चा सत्संग है। सत्संग निर्विवाद आनंद होता है। महाराज को हनुमान रूप में मानने का आधार ये है कि अपने साधना काल में महाराज लक्ष्मण दास के रूप में, तिकोनिया बाबा के रूप में, हांडी बाबा के रूप में, तलैया बाबा के रूप में, कई रूपों में भक्ति के उस मार्ग से जुड़े थे जिसमें भगवान और भक्त के बीच का संबंध स्वामी और सेवक का होता है, और इस संबंध के निर्विवाद रूप से सबसे ऊंचे उदाहरण हनुमान जी स्वयं हैं और वो आराध्य भी हैं। महाराज द्वारा अनेक शहरों में, अनेक स्थानों में हनुमान जी के मंदिर का निर्माण, भक्तों के घरों में भी हनुमान जी की स्थापना, और महाराज का प्रिय रामायण, विशेष रूप से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ सुनना, उसको पढ़ने की प्रेरणा देना, और हमेशा ही राम राम में लीन रहना, महाराज के साथ हनुमान जी को अभिन्न सा बना देता है। एक मत इससे भी आगे भक्ति से पार और गहराई को ले जाता है, जहाँ पर हनुमान जी और महाराज के बीच में संबंध भक्ति से आगे एक रूपता का हो जाता है, और भक्त महाराज को हनुमान रूप में ही मानते हैं। और महाराज की दरअसल ऐसी कई लीलाएं हैं कि जब महाराज हनुमान के रूप में सामने भक्तों के आए, भक्तों के हनुमान के रूप से मतलब है कि हनुमान जी जैसे गुण, वो लीला को देख के सहसा ये लगे कि हनुमान जी। और ऐसे भी प्रसंग हैं कि जहाँ पर महाराज भाव दशा में स्वयं हनुमान के रूप में ही संबोधन कर रहे हैं। ऐसा हुआ, एक रामायणी महाराज को रामायण सुनाने के लिए आए हुए थे। उन्होंने महाराज से पूछा, महाराज कहाँ से सुनाऊं? महाराज ने कहा, जब हम विभीषण से बात कर रहे थे वहां से, जब हम विभीषण से बात कर रहे थे वहां से। सब जानते हैं कि लंका में हनुमान जी विभीषण से बात कर रहे थे। ऐसे ही एक अन्य प्रसंग में कैंची में मंदिर के विषय में चर्चा चल रही थी, तो चर्चा के बीच में ही महाराज बोले अचानक, तो तुम समझते हो हम जायदाद जोड़ लें, जमींदार बन रहे हैं, हमें किसी से कोई आसक्ति नहीं है, हम सब कुछ वैसे ही छोड़ देंगे जैसे लंका में छोड़ दिया था। लंका को जलती हुई छोड़कर हनुमान जी ही गए थे। ये तो वो प्रसंग हैं कि जहां पर हनुमान जी के रूप में महाराज संबोधन कर रहे हैं। और ऐसी एक अन्य प्रसंग में महाराज भक्तों से घिरे हुए बैठे हुए थे, और एक बच्ची अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी, अचानक वो बच्ची बड़ी जोर से रोने लगी।
उसको चुप कराया और उससे पूछा, क्या बात हो गई बेटा? तो उसने कहा, मैंने अभी अभी महाराज के यहाँ सीने में राम सीता को देखा बैठे हुए अंदर। और वो बच्ची काफ़ी विस्तार से राम सीता के विषय में, विशेष रूप से सीता जी के वस्त्रों के बारे में बताने लगी। महाराज सुनते रहे लेकिन बोले कुछ नहीं। पवनसुत हनुमान की तरह ही महाराज लगातार गतिशील रहते थे। ऐसा लगता था कि जैसे उनका स्वभाव एक स्थान पर रुके रहने का है ही नहीं। वो तो अभी ऐसा ही था। मालूम पड़ा है अभी महाराज वृंदावन मथुरा में हैं और अगले दिन नैनीताल में हैं, और उसके अगले दिन कहीं आगरा में, कभी दिल्ली में, कहीं भी। अभी इस भक्त के घर में हैं, जरा सी देर में किसी दूसरे के साथ। एक ही स्थान पर अगर एक मकान में भी हैं तो महाराज कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी अंदर, कभी बाहर। और तखत में भी अगर हैं विराजमान तो भी लगातार गतिशील उनका शरीर। दीर्घ काय थे महाराज हनुमान जी की तरह ही, बाहें लंबी थीं, सामने उनको बाहों को रख के कोहनियों से विचित्र ढंग से घुमाते रहते थे। शरीर मुख की मुद्राएं बदलते रह रही हैं, कभी बैठे हैं महाराज, कभी अधलेटे हैं, कभी ध्यान कहीं है, कभी कहीं है ध्यान, जैसे एक क्षण भी स्थिर नहीं, वायु की तरह। और महाराज कहते भी थे, हम हवा जैसे हैं, हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। साधु एक जगह ठहर जाए तो परेशानी समझो, चलता साधु बहता पानी, ठीक है। हनुमान जी सेतु रूप हैं जो दो विपरीत छोरों को मिलाने का काम करते हैं, पुल है। चाहे सुग्रीव को राम जी से मिलाना हो, विभीषण को मिलाना हो, भरत जी तक जाना हो, सबको मिलाने का काम करते हैं सरलता के साथ। वैसे ही महाराज भी भक्तों के बीच में सेतु रूप में ही स्थापित है, दो विपरीत छोरों को मिलाने का काम कर रहे हैं। वो दो छोर जैसे अशांति और शांति के बीच, चिंता और निश्चिंतता के बीच में, दुख और सुख के बीच में, विश्वास और अविश्वास के बीच में, विभक्ति और भक्ति के बीच में। भक्त एक सिरे पर हैं, दूसरे सिरे पर उनकी अपेक्षाएं हैं, और महाराज उन दोनों को मिला देते हैं अपनी उपस्थिति से। यही महाराज की भक्ति है, यही महाराज की शक्ति भी है। सहजता से जैसे अलौकिक कामों को करके अपनी लीला में हनुमान उसका कोई श्रेय नहीं लेते, सेवा के रूप में कर रहे हैं, वैसे ही महाराज भी बिल्कुल सरल हनुमान जी की तरह ही अपने बल को भूले रहते हैं। हनुमान के रूप में एक दिन एक भक्त के यहाँ महाराज को देखा तो महाराज से कहा, आप हनुमान जी हैं? महाराज बोले, नहीं नहीं है हम हनुमान, हम कुछ नहीं कर सकते, सब वही करता है। फिर तुरंत बोले, सबकी चाबी हमारे पास है, जब चाहो जहां घुमा दें। और हंस लिए। हनुमान जी और महाराज जी में सादृश्यता इस तरीके से अनेक रूपों में आती है, और बहुत सी लीलाएं ऐसी हैं कि जहां पर यह लगने लगे कि हाँ ऐसा तो हनुमान जी कर सकते हैं, ऐसा हनुमान जी ने किया था, महाराज ऐसा ही तो कर रहे हैं। अतुलित बल धाम बुद्धिमता वरिष्ठम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी ने जितनी अलौकिक लीलाएं करी हैं उनका आधार सिद्धियों को माना जाता है। हनुमान जी सिद्धि संपन्न थे, और सिर्फ संपन्न ही नहीं थे बल्कि भक्तजनों को सिद्धि प्रदान भी कर सकते थे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता,
सिद्धियां हैं क्या? सिद्धियां योग सूत्र के अनुसार वो अलौकिक शक्तियां हैं जो साधना के ध्यान के संपूर्ण परिपक्वता में साधक को प्राप्त होती हैं। और योग सूत्र के विभूति पाद में सिद्धियों के विषय में कहा गया है, जन्म औषधय मंत्र तप समाधिच सिद्धय, कि कुछ जन्म सिद्ध होते हैं, जन्म से ही सिद्ध होते हैं, तप द्वारा सिद्धि मिल सकती है, मंत्र द्वारा सिद्धि मिल सकती है, औषधियों के द्वारा भी सिद्धि मिल सकती है, और समाधि में इसके अलावा सिद्ध जन अपनी सिद्धि को किसी उचित पात्र को अपनी इच्छा मात्र से भी दे सकते हैं, ये कृपा है। सिद्धियों का वर्णन सांख्य कारिका में, तत्व समास में, शैव और वैष्णव और जैन बौद्ध सिख ग्रंथों में भी व्यापक रूप से मिलता है। मुख्य रूप से 8 सिद्धियों का जिक्र आता है, अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईषित वशित चाष्टय सिद्धय। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईषित और वशित, ये 8 सिद्धियां हैं। अणिमा मतलब सूक्ष्म जगत में आधिपत्य, अणिमा सिद्ध अपने को अणु के समान छोटा कर सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। इसके विपरीत महिमा जो है वो बड़ा आकार, एक में आकार छोटा हो गया सूक्ष्म, एक में आकार हो गया विकराल। अति लघु रूप धरो हनुमाना, मसक समान को रूप कपि धर ही। और फिर कनक भूधराकार शरीरा, जो शरीर एक बार बिल्कुल मसक समान मच्छर के समान भी हो सकता है, उससे भी छोटा हो सकता है, और वो पहाड़ के समान बड़ा हो सकता है। ये सिद्धि है आकार को लेके। अणिमा और महिमा तो आकार को लेकर थी, और लघिमा और गरिमा वजन को लेकर है, भार को लेकर है। लघिमा में शरीर अति हल्का, वायु वायु से भी हल्का, और गरिमा में भारी से भारी। प्राप्ति दरअसल दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी स्पेस को समाप्त कर देती है, तो प्राप्ति सिद्धि से सिद्ध सहज ही एक से अधिक स्थानों पर अपने को प्रकट कर सकते हैं, क्षण मात्र में कहीं से कहीं तक की यात्रा कर सकते हैं, और साथ ही में किसी भी माध्यम में सहज यात्रा कर सकते हैं, जमीन में हो, पानी में हो, हवा में हो। प्राकाम्य कामना मात्र से शून्य से मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेना, यानी हर वस्तु जो है वो तत्व से बनी हुई है, और सृष्टि में भी तो सृष्टा ने केवल कामना की थी और सृष्टि हो गई। सकाम्य तो एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, बहुत सा हो जाऊँ, कामना मात्र से, संकल्प मात्र से सृष्टि, तो वही संकल्प। और इसीलिए इसके बाद की सिद्धि जो है ईषित्व है, ईश्वर के समान, जो प्रकृति का रचयिता हो, संचालक हो और संहारक भी हो। वशित्व किसी के मन की बात को जान लेना, हर चीज में अधिकार होना, हर वस्तु को अपने वश में रख लेना, और भगवान के संदर्भ में कि जिसके वश में सब कुछ है वो स्वयं किसके वश में है, भगवान भक्ति के वश में है, तो सिद्ध भी अपने भक्तों के वश में ही होता है। तो यानी सबको अपने वश में रख लेना और सबके वश में स्वयं भी हो सकना, ये सरलता भी है। जो सबको वश में रख सकता है, प्रकृति को वश में रख सकता है, वो सहज ही किसी के वश में हो जाता है, ये सिद्धि की सरलता है, महानता है, कृपा है। सिद्धियों के संदर्भ में महाराज की लीलाओं के प्रसंग कुछ इस तरह से देखें कि जैसे भव्य हिमालय का दृश्य, अलग अलग स्थान से देखें
तो दृष्टिकोण बदलने से अलग अलग दिखाई देता है और हर दृश्य विलक्षण है, अद्भुत है। है एक ही हिमालय का, परंतु अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग दृष्टिकोण। वैसे ही महाराज की लीलाओं को अलग अलग दृष्टिकोण से, लीला एक ही है, देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होने से उसका आनंद अलग अलग हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। जितनी बार जिस तरफ से देखें उतनी बार फिर से आनंद है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। तो महाराज की लीलाओं का ये क्रम आगे को क्रमशः जारी रखेंगे, विशेष रूप से सिद्धियों के संदर्भ में महाराज की लीलाएं। तो अगली भेंट तक आज्ञा दीजिए। जय गुरुदेव।